ग्रीटिंग्स ऑफ़ द डे स्टूडेंट्स तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है सिम्प्लीफिकेशन ऑफ सी एफ जी कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर आई मीन तो कॉन्टैक्स फ्री ग्रामर के बारे में हमें लास्ट टाइम क्या बात की थी वी टॉक्ट अबाउट एम्बिग्यूटी कि एम्बिग्यूटी क्या होता है ग्रामर में एम्बिग्यूटी कैसे क्रिएट करते हैं कैसे क्रिएट हो सकती है या फिर कैसे हम रिमूव कर सकते हैं ठीक है तो आज सिमिलर टॉपिक्स पर बात करेंगे ग्रामर को कुछ चेंज कैसे कर सकते हैं यानी सिंप्लीफाई आज का जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन है कि हम कोई भी ग्रामर को सिम्पलीफाई कैसे कर सकते हैं अब ग्रामर को सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत है क्योंकि ग्रामर एनालाइज करने में ईजी होना चाहिए ठीक है एनालाइज करने में इजी अब आप कहेंगे ग्रामर एनालाइज करना आता हो तो इजी ही होता होगा नहीं पर एक मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं कि अगर ए ठीक है ए डिराइव कैपिटल सी ये दोनों वेरिएबल्स हैं ठीक है ए डिराइव कैपिटल सी सिमिलरली सी डिराइव एनी टर्मिनल सिंबल स्मॉल एक्स फाइन तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर है हमने एनालाइज करने में कि ये ग्रामर क्या करता है ये ग्रामर कुछ भी नहीं करता सिंपली इस ग्रामर में एक ही सेंटेंस है जिसको हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं कि ए डिराइव स्मॉल एक्स कि ए भी एक वेरिएबल ड्राइव कर रहा है और वो वेरिएबल स्मॉल एक्स ड्राइव कर रहा है तो सिंपली ए ही एक टर्मिनल डिराइव कर रहा है जिसका नाम है एक्स तो फिर बीच में सी को रखने की क्या जरूरत है ठीक है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से राइट तो कुछ ग्रामर ऐसे होते हैं जिनमें सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड होता है तो उस ग्रामर में कैसे ग्रामर है जो सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर करते हैं कैसे ग्रामर है जिनमें सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर नहीं है उसकी बात करेंगे ओके okay. uh, तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्म गिवन ग्रामर हमें कोई ग्रामर दिया गया है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंटू एन इक्विवेलेंट ग्रामर कोई इक्वेलेंट ग्रामर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया कि मैं ए को कोई दूसरे प्रोडक्शन में नहीं जाने दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में डायरेक्टली अगर ए ही वहीं एक्स ड्राइव कर सकता है तो ऑब्वियसली ए ही डायरेक्ट डायरेक्टली एक्स ड्राइव करेगा वो दूसरे प्रोडक्शन्स में नहीं जाएगा ओके okay? तो सी एफ कैसे हो सकता है तो यूजलेस सिम्बॉल को हम रिमूव कर सकते हैं ये चीज़ें हमें एलिमिनेट करनी है कौन सी चीजें एलिमिनेट करनी है तो यूजलेस सिम्बॉल एलिमिनेट करना है ठीक है नल प्रोडक्शंस एलिमिनेट करना है और यूनिट प्रोडक्शंस एलिमिनेट करना है क्या होता है कैसे होता है सब देखेंगे फाइन पर ये चीजें अगर हम ध्यान रखते हैं ये प्रोडक्शन अगर हम रिमूव करते हैं तो वी कैन सिंपलीफाई कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर जो कि एनालाइज करने में ईजी होता है ठीक है तो एलिमिनेशन कैसे करते हैं सबसे पहले एलिमिनेटिंग यूजलेस सिंबॉल फाइन तो यूजलेस सिंबॉल होते क्या हैं कुछ सिम्बॉल ऐसे होते हैं कि जो यूजफुल नहीं होते का मतलब है वो जनरेट ही नहीं करते हैं कुछ ग्रामर कुछ ग्रामर ही जनरेट नहीं करते हैं एंड सिम्बॉल से एंड टर्मिनल्स नहीं जनरेट करते हैं ग्रामर को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ऐसे चीज़ों को हम ग्रामर में से रिमूव कर देंगे फिर कुछ नॉन रीचेबल सिंबल होते हैं जहाँ तक ग्रामर पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारा स्टार्टिंग सिंबल फिक्स है क्या होता है एस होता है अगर उस एस स्टार्टिंग सिंबल से हम उस नॉन रीचेबल सिंबल यानी वो सिंबल ही जनरेट नहीं कर सकते तो उसका ग्रामर में होने का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो उस तरीके से हम नॉन जनरेटिंग और नॉन रीचेबल सिम्बॉल्स को रिमूव करते हैं देखते हैं दोनों क्या होता है ठीक है uh, तो कोई एक सिंबॉल है एक्स बिलोंग्स टू वी कैपिटल एक्स है यानी कि वो वेरिएबल्स में बिलोंग करता है फाइन वो जनरेटिंग सिंबल कहलाता है कब जनरेटिंग सिंबल कहलाता है कि जब हम एक्स में से कोई भी एक कोई भी एक ऐसे एलिमेंट तक पहुंच पाए टर्मिनल एलिमेंट से जो स्ट्रिंग बनाता हो डब्ल्यू बिलोंग्स टू टी स्टार टी स्टार का मतलब है टर्मिनल सिम्बॉल एक या एक से ज्यादा बार यूज करके हम कोई स्ट्रिंग बनाई हो ठीक है तो उसे टर्मिनल सिम्बॉल Uh, कहते हैं या उस स्ट्रिंग को टर्मिनल स्ट्रिंग कहते हैं फाइन तो अगर कोई भी एक एक्स वेरिएबल है वो ग्रामर का यूज करके वन और मोर टाइम स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर टाइम्स या वन और मोर टाइम्स उस ग्रामर का यूज करके अगर हम कोई भी जनरेट स्ट्रिंग कर पाते हैं जिसका नाम है ओमेगा तो उस ग्रामर को हम जनरेटिंग सिंबॉल कहेंगे उस सिंबॉल को हम जनरेटिंग सिम्बॉल कहेंगे ठीक है तो बाकी के अलावा बाकी के सारे सिंबल्स को हम कौन से कहेंगे नॉन जनरेटिंग सिंबल्स कहेंगे तो जनरेटिंग सिंबल की डेफिनेशन हमारे पास है कि जहां हम टर्मिनेटिंग सिंबल तक पहुंच पाते हैं टर्मिनेटिंग वेरिएबल तक जिस वेरिएबल से टर्मिनेटिंग सिंबल तक पहुंच पाते हैं उस वेरिएबल को हम जनरेटिंग सिंबल या जनरेटिंग वेरिएबल कहते हैं तो सिमिलरली नॉन जनरेटिंग वेरिएबल क्या होगा उससे उल्टा होगा कि जो वेरिएबल टर्मिनेटिंग सिंबल तक नहीं पहुंच पाता उसको हम नॉन जनरेटिंग वेरिएबल कहते हैं ठीक है, है? Uh, जैसे कि यहाँ पे एक uh, चीज दी गई है यहाँ पे आप देखेंगे एस गिव्स कैपिटल एस स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी ठीक है अब ए है वो स्मॉल ए जनरेट कर रहा है ए है वो स्मॉल ए जनरेट कर सकता है फाइन बट एक चीज देखेंगे अगर बी है वो कोई भी टर्मिनेटिंग सिंबॉल जनरेट नहीं कर रहा फाइन अगर एस से हम गलती से भी डिराइव कर लेते हैं क्या डिराइव कर लेते हैं कि कैपिटल बी और स्मॉल बी तो अगेन मुझे कैपिटल बी में से क्या डिराइव करना पड़ेगा स्मॉल बी और कैपिटल बी अगेन बी में से मुझे क्या डिराइव करना पड़ेगा स्मॉल बी और कैपिटल बी फाइन देखेंगे कि अब ये बी कभी भी खत्म नहीं हो सकता ठीक है ये जो बी है मैं बार बार डिराइव कर रहा हूं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता इसका मतलब है बी है वो कैसा सिंबॉल है वो नॉन जनरेटिंग सिंबॉल है ओके बी है वो नॉन जनरेटिंग सिंबॉल है नहीं। तो बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो अब नया ग्रामर होगा वो हमारा कैसा दिखेगा जिसमें बी नहीं है क्योंकि हमें ईच एंड एवरी प्रोडक्शन जिसमें बी है ईच एंड एवरी प्रोडक्शन वो सारे प्रोडक्शन में से बी रिमूव करना है तो एस में भी बी दिख रहा है हमें हम ये रिमूव करेंगे यानी हमारा नया जो प्रोडक्शन होगा स्टार्टिंग प्रोडक्शन वो कैसा होगा जिसमें ए ग्रामर होगा ए के रिलेटेड प्रोडक्शन है पर बी के रिलेटेड प्रोडक्शन नहीं है ओके एज यू कैन सी हियर इन अवर न्यू ग्रामर राइट सो हम नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल्स को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे ओके okay? तो इन दोनों में से हमारा नॉन जनरेटिंग सिंबल वाला टास्क खत्म हो गया है अब जाते हैं नॉन रीचेबल सिंबल्स पे ओके okay? ओके okay. सो लेट्स से कपल ऑफ एग्जाम्पल्स बिफोर वी मूव ऑन टू नॉन रीचेबल सिंबल्स फाइन तो रूल्स क्या हैं नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल है या जनरेटिंग सिंबॉल है सब फाइन so करने के रूल्स क्या हैं तो बेसिकली दो रूल हैं ठीक है फाइंडिंग अ सेट ऑफ जनरेटिंग सिम्बॉल्स है नॉन जनरेटिंग है फाइन तो so, पहला रूल क्या है कि कोई भी सिंबॉल जिसमें टर्मिनल है ओके okay, कोई भी सिंबॉल सिर्फ जिसमें सिर्फ टर्मिनल है वो जनरेटिंग सिंबॉल है क्लियर है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ए गिव्स ए तो ए है वो जनरेटिंग सिंबॉल है वो फाइनल है क्लियर है बाकी हमें कुछ ए के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ओके okay? दूसरा रूल दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर ए में कॉम्प्लेक्स चीज है इसको सेंटेंशियल फॉर्म कहते हैं हमें पता है ठीक है तो सेंटेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है जिसमें टर्मिनल भी है और नॉन टर्मिनल भी है यहां पर मैं सेंटेंशियल फॉर्म का अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो सी गिव ए बी ये सेंटेंशियल फॉर्म है राइट तो सेंटेंशियल फॉर्म जब भी फॉर्म हो रहा है तो सी uh, है वो आई मीन जनरेटिंग है कि नहीं कैसे पता चलेगा वहां पर बी आ गया मतलब सी तो जनरेटिंग है मान लेते हैं कि यहाँ पे बी नहीं होता तो अगर यहाँ पे बी नहीं होता तो हमें पे से डिसाइड करना पड़ता कि सी जनरेटिंग है कि नहीं तो सिर्फ पे से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सी जनरेटिंग है कि नहीं ये तो टर्मिनल सिंबल है तो ये तो ऑब्वियसली जनरेटिंग है अब बी को चेक करना है कि बी जनरेटिंग है कि नहीं अगर बी जनरेटिंग है तो सी जनरेटिंग है ठीक है यानी कि जब भी कोई प्रोडक्शन ऐसा है जिसमें डायरेक्टली टर्मिनल सिंबल नहीं है यहां पे डायरेक्टली टर्मिनल सिंबल है पर अगर कुछ प्रोडक्शन ऐसा है जिसमें डायरेक्टली टर्मिनल सिंबल नहीं है तो वहां पे हम उसके सारे सिंबॉल्स को चेक करेंगे या सारे वेरिएबल्स को चेक करेंगे कि अगर सारे वेरिएबल जनरेटिंग है एवरी सिंबॉल इन आल्फा इज जनरेटिंग देन ए इज जनरेटिंग यानी बाहर वाला वेरिएबल वो जनरेटिंग होगा राइट सेंटेंशियल फॉर्म में पता होना चाहिए कि सेंटेंशियल फॉर्म होता क्या है ओके okay. सो so, सेंटेंशियल क्या फॉर्म क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए सेंटेंशियल फॉर्म अगर अल्फा है तो अल्फ़ा में क्या होते हैं वी वेरिएबल्स भी होते हैं और टी टर्मिनल्स भी होते हैं इन दोनों के मिक्सचर से बनता है उसको सेंटेंशियल फॉर्म कहते हैं ठीक है सो एग्जांपल्स पे आ जाते हैं अगर ये गिवन एग्जाम्पल है गिवन ग्रामर है अगर इसको हम जी कहते हैं तो इस जी ग्रामर में से हमें सिम्बॉल्स फाइन करना है कैसे सिम्बॉल्स फाइन करना है कि जो नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल्स हैं नॉन जनरेटिंग सिम्बल्स राइट देखते हैं कौन सा नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल है तो एस है वो डिराइव करता है ए बी और सी ए सबसे पहले हम सारे सिम्बॉल्स लिख लेते हैं एक तो एस सिंबॉल है देन वी हैव ए देन वी हैव बी ये सारे वेरिएबल्स हैं देन वी हैव सी फाइन दैट्स इट तो ए और सी दोनों विजिबल हैं कि ए भी जनरेटिंग है और सी भी जनरेटिंग है तो ए और सी को मैं सर्कल करता हूँ ए और सी दोनों जनरेटिंग है अब हमें बी चेक करना है कि बी में से मैं कोई वेरिएबल जनरेट कर पाता हूँ कि नहीं ठीक है तो बी में से जैसे कि आप देख रहे हैं एक तो बी एंड सी जनरेट हो रहा है ए एंड बी जनरेट हो रहा है कोई टर्मिनल सिंबॉल जनरेट नहीं हो रहा अगेन बी uh, में से बी जनरेट हो रहा है मतलब रिपीट हो रहा है बी uh, में से बी एंड सी जनरेट हो रहा है ये टर्मिनेटिंग सिंबॉल है फाइन बट अगेन दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग सिम्बॉल अभी तक ओके okay, इसका दूसरा प्रोडक्शन देख लेते हैं बी में से ए बी जनरेट हो रहा है बी में से ए जनरेट कर रहा है और बी जनरेट हो रहा है अगेन बी में से ए है वो टर्मिनेटिंग सिम्बॉल है बट बी है और सॉरी जनरेटिंग सिम्बॉल है पर बी है वो जनरेटिंग सिम्बॉल है कि नहीं पता नहीं हमें ठीक है सो so, हम बी में से कोई भी टर्मिनल सिंबल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं बी में से कोई भी टर्मिनल सिंबल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब हम इतना कह सकते हैं कि बी है वो जनरेटिंग सिंबल नहीं Clear है क्लियर है एस में से सी है ए है वो जनरेटिंग है इसीलिए सी ए मतलब वो जनरेटिंग सिम्बॉल्स हैं यानी कि एस है वो जनरेटिंग सिम्बॉल है एस में से हम कोई भी एक प्रोडक्शन में से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं पर अगर ए बी वाला प्रोडक्शन है उससे हम कहीं भी, भी नहीं पहुँच सकते हैं तो अगेन कौन सा सिम्बॉल नॉन जनरेटिंग है बी है वो नॉन जनरेटिंग है ठीक है तो अगर हमें इस ग्रामर को सिंप्लीफाई करके लिखना है तो इस ग्रामर को हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एस गिव्स सी ए आई एम रिमूविंग बी ओके ये मेरा पहला प्रोडक्शन uh, है देन बी वाले सारे प्रोडक्शन को मुझे रिमूव कर देना ऑब्वियसली तो बी वाला कोई भी प्रोडक्शन मैं नहीं लिखूंगा फाइन देन ए गिव्स स्मॉल ए एंड कैपिटल सी गिव्स स्मॉल बी ये मेरे सारे प्रोडक्शन आ गए हैं ठीक है ए बी वाला प्रोडक्शन रिमूव कर देना है तो ये सारे प्रोडक्शन के ग्रामर को मैं क्या कह दूंगा जी वन कह दूंगा ओके okay, तो जी वन है वो जी से अलग है क्यों अलग है क्योंकि जी वन में से ऐसे सारे प्रोडक्शन रिमूव कर दिए गए हैं कि जो जनरेटिंग नहीं है ओके सो दिस इज हाउ वी रिमूव नॉन जनरेटिंग सिंबल्स फाइन मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर एग्जाम्पल ओके तो आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल डिस्कशन में आ, ये ग्रामर क्या कहता है एस गिवस स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए स्मॉल है वो टर्मिनल्स ऑब्वियसली और कैपिटल्स हैं वो जो वेरिएबल्स हैं ठीक है तो इन ग्रामर में से हमें फाइंड क्या करना है अगेन नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल्स फाइंड करना है तो पहले तो हम सारे वेरिएबल्स लिख लेते हैं कौन से कौन से वेरिएबल्स हैं एस है ए है सी है और ई है ये वेरिएबल्स हैं हमारे ग्रामर के ठीक है तो पहले देख लेते हैं कौन से कौन से वेरिएबल जनरेटिंग है ठीक है जनरेट कर रहे हैं टर्मिनल सिंबल्स जनरेट कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि सी है वो टर्मिनल सिंबल्स जनरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली जो सी है वो जनरेटिंग सिंबल है ठीक है बाद में ई e को देखते हैं तो ई e में एक तो ए है वो जनरेटिंग टर्मिनल सिंबल है ऑब्वियसली फाइन अगेन इसमें सी आ रहा है बट सी तो ऑब्वियसली जनरेटिंग डिक्लेयल हो चुका है क्योंकि उसमें टर्मिनल सिंबल्स हैं फाइन तो हम क्या करेंगे अगेन ई e को भी क्या डिक्लेयर कर देंगे जनरेटिंग डिक्लेयर कर देंगे यानी अगर कोई भी वेरिएबल है वो दूसरा वेरिएबल कंटेन कर रहा है फाइन जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था अगर वो दूसरा वेरिएबल कंटेन कर रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि वो वेरिएबल जो कंटेन कर रहा है वो टॉमिनेटिंग सिंबॉल है कि नहीं ठीक है उसमें से हम टॉमिनेटिंग सिंबॉल तक पहुँच सकते हैं कि नहीं फाइन तो ये जनरेटिंग सिंबल है तो अगेन ई e भी जनरेटिंग सिम्बॉल हो गया ठीक है ए को चेक करते हैं ए में बी है स्मॉल अगेन सी एंड सी तो सी जनरेटिंग है तो ये पूरा थिंग है वो जनरेटिंग है ओके क्योंकि बी है वो टर्मिनल है वी हैव एस एंड बी तो ये तो रिकर्जन हो गया एस से ए ए से एस ठीक है तो ये हमें लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा फाइन अगेन ये भी जनरेटिंग है तो हमारा ए सिंबल है वो जनरेटिंग होगा एक बार एस को चेक कर लेते हैं ठीक है बिफोर डिक्लेयरिंग ए जनरेटिंग तो एस है वो क्या कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल ए और अगेन स्मॉल ए तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं अगर ए जनरेटिंग है तो एस भी जनरेटिंग हो जाएगा तो ए क्या कर रहा है रिकर्जन क्रिएट कर रहा है बट वो जनरेटिंग है सो देर इज नो प्रॉब्लम सो वॉट वी आर डूइंग इज वी आर डिक्लेयरिंग एवरी वेरिएबल एज जनरेटिंग क्योंकि सारे वेरिएबल्स पर से हम टर्मिनल्स में पहुंच सकते हैं अगर आप ध्यान से इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले एस आएगा एस में से हम इधर स्मॉल ए जनरेट कर सकते हैं और डायरेक्टली कैपिटल ए में भी जा सकते हैं ओके कैपिटल ए की कैपेबिलिटी क्या है वापस वो एस में जा सकता है यहाँ से दूसरे रूल से देखेंगे तो वापस से ए में से एस में जा सकते हैं या फिर ए क्या जनरेट कर सकता है खुद बी जनरेट कर सकता है ओके okay? और बी के अलावा वो वेरिएबल कैपिटल सी तक पहुँच सकता है फाइन सी है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग ए बी भी जनरेट करता है मतलब सी है वो ए भी जनरेट कर सकता है और स्मॉल बी भी जनरेट कर सकता है ई e है वो कैपिटल सी जनरेट कर सकता है तो ई e है वो क्या जनरेट कर सकता है कैपिटल सी जनरेट कर सकता है और खुद वो ए बी जनरेट कर सकता है तो अगर ये हम ग्राफ देख रहे हैं ध्यान से तो ग्राफ पे से हमें एक चीज पता चल रही है कि सारे सिंबल हैं वो जनरेटिंग है एस बी जनरेटिंग है ए बी जनरेटिंग है अगेन सी इज ऑल्सो जनरेटिंग ई इज ऑल्सो जनरेटिंग ठीक है तो नॉन जनरेटिंग सिंबल नहीं है तो ग्रामर विल बी सेम ओके ग्रामर विल बी सेम हम इक्वी लिख रहे हैं नॉन जनरेटिंग इक्वी लिख रहे हैं हर एक ग्रामर का तो यहाँ पे जी का हमने इक्वी लिखा था नीचे जी वन एज यू कैन सी फाइट बट यहाँ पे हमारा ग्रामर सेम रहेगा देर विल बी नो चेंज इन द ग्रामर फाइट बट एक चीज नोटिस कर रहे हैं हम एस में से ई e तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अगर आप ग्राफ दिख रहे हैं ट्री जनरेशन दिख रहे हैं तो ऐसे सिंबॉल की हमें जो दूसरी बात की थी वो है ही फाइन नॉन जनरेटिंग सिंबल या नॉन रीचेबल सिंबल दो चीजों की हमने बात की थी तो नॉन जनरेटिंग के तो हम ऑलरेडी एक्जाम्पल देख रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं फाइन ये है नॉन रीचेबल सिंबल जैसे कि आप देख पा रहे हैं एस में से हम ई e तक नहीं पहुंच पाएंगे फाइन तो डिटेल में बात करेंगे जब हम नॉन रीचेबल सिंबॉल तक पहुंचेंगे क्विकली थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ओके okay? नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमें सेम चीज़ करनी है ठीक है हमें प्रोडक्शंस दिए गए हैं हमें इसमें से नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल फाइंड करना है पहले सब सारे वेरिएबल्स को हम लिस्ट आउट कर लेते हैं एस है ए है देन वी हैव सी ई एंड डी ओके सबसे पहले बात करते हैं जो ऑलरेडी टर्मिनेटिंग सिम्बॉल जनरेट कर रहे हैं फाइन तो ये जनरेटिंग हो गया सी ठीक है तो हम सी को कह देते हैं कि वो जनरेटिंग है सी की स्क्रूटिनी uh, खत्म हो गई है ठीक है ए e है वो एक तो ए जनरेट कर रहा है टर्मिनल सिंबल और सी जनरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें दो ही सिंबल हैं फाइन ये एक अल्फा स्ट्रिंग हो गई अगर तो ई e भी जनरेटिंग है क्लियर है क्योंकि सी जनरेटिंग है और यहाँ पे ये टर्मिनल सिंबल है तो ये पूरी चीज़ जनरेटिंग हो गई ई e भी जनरेटिंग हो गया क्लियर है डी uh, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है देखते हैं कि uh, टर्मिनल सिम्बॉल्स हैं अगेन डी में से रिकर्जिव डी में जा रहा है फाइन कोई भी टर्मिनल सिंबॉल हमें मिल नहीं रहा है डी uh, और कहीं नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम डी है वो नॉन जनरेटिंग है फाइन तो डी है वो नॉन जनरेटिंग है क्लियर है विल कम बैक टू दैट इफ इट इज जनरेटिंग बट एज ऑफ नाव इट इज नॉन जनरेटिंग ए चेक करते हैं ए में से हम एस में जा पा रहे हैं और बी में जा पा रहे हैं ठीक है जनरली रिकर्जन होता है एस टू ए टू एस जो हमारे पिछले सम में था सेम रिकर्जन है ठीक है अगेन स्मॉल बी डबल सी इसका मतलब हो गया कि अगर सी जनरेटिंग है तो ये जनरेटिंग ग्रामर हो गया रिकर्जन वाला ग्रामर जनरेटिंग होता है और इसमें डी सिम्बॉल है ए में से हम डी में जा रहे हैं बट डी में कोई डोमिनेटिंग सिम्बॉल नहीं है तो ये ग्रामर है वो जनरेटिंग नहीं है फाइन सो so, अगर हम डी वाला प्रोडक्शन रिमूव कर दें तो ए जनरेटिंग हो जाएगा यहाँ से भी हम अगर डी वाला प्रोडक्शन रिमूव कर दें तो ये आ, पूरा ग्रामर जनरेटिंग हो जाएगा इसका मतलब है डी है वो जनरेटिंग नहीं है क्विकली कन्फर्म करते हैं एस है अगर ट्री की बात करें इसमें से स्मॉल ए जनरेट कर सकते हैं एस में से क्योंकि यहाँ पे है और कैपिटल ए जनरेट कर सकते हैं ठीक है कैपिटल ए में से क्या जनरेट कर सकते हैं हम वापस एस में जा सकते हैं अगर जाना है तो और हम स्मॉल बी जनरेट कर सकते हैं ठीक है अगेन हम कैपिटल सी भी जनरेट कर सकते हैं और कैपिटल डी भी जनरेट कर सकते हैं और स्मॉल ए भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है ठीक है अकॉर्डिंग टू गिवन ग्रामर ये दो हमारे वेरिएबल्स हैं अब हम सी में से क्या कर सकते हैं टर्मिनल सिम्बॉल कॉमा बी जनरेट कर सकते हैं ए भी है और बी भी है डी में से हम कुछ भी जनरेट नहीं कर सकते देख रहे हैं आप डी में से हम वापस रिपीटेशन में जा रहे हैं इसीलिए डी में से कोई भी टर्मिनल सिम्बॉल जनरेट करना पॉसिबल नहीं है क्लियर है तो हम डी में से कोई भी सिंबल जनरेट नहीं करेंगे अगर आप ये जनरेटिंग सिंबल भी नहीं लिखना चाहते हैं, तो इट्स ओके okay. इसमें से हम कोई भी डोमिनेटिंग सिम्बॉल जनरेट नहीं कर पा रहे इफ यू जस्ट डोंट राइट दीज थिंग्स देन टू इट्स ओके पर सी में से हम डायरेक्टली ये भी जनरेट कर पा रहे हैं इसलिए हम सी में लिखेंगे कि सी है वो जनरेटिंग सिम्बॉल है ठीक है अगेन ई e में से हम क्या कर पा रहे हैं ई e में से हम सी में जा पा रहे हैं ओके okay? uh, तो हम वापस से जनरेट कर पाएंगे पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से तो डी एक ऐसा सिंबल है जो खुद भी कुछ जनरेट नहीं कर पा रहा और सी तक पहुंच भी नहीं पा रहा है इसका मतलब एक तो डी की लाइन में जितने प्रोडक्शन है वो सारे कैंसिल आउट करना है और दूसरा जिनको डी कंटेन कर रहा है कहीं पे भी अगर आप कैपिटल डी देख रहे हैं तो वो सारे प्रोडक्शन क्या करने है कैंसिल करने ग्रामर को वापस से लिखते हैं इफ आई जस्ट राइट डाउन अगेन तो एस गिव्स स्मॉल ए कैपिटल ए एन अगेन ए गिव्स कैपिटल एस स्मॉल बी देन बी डबल सी ओके ये रिमूव करना है क्योंकि इसमें डी है देन अगेन सी के प्रोडक्शन लिखते हैं ए बी बी फाइन ये रिमूव करना है क्योंकि इसमें डी है डी का प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली पूरा निकाल देंगे बाकी बचा चाहिए ई का प्रोडक्शन तो ई गिव्स स्मॉल ए कैपिटल सी ओके तो ये हमारा ग्रामर हो गया जी वन ओके okay, अगर जीवन ग्रामर है और ये जी ग्रामर है तो जीवन इज सिंप्लीफाइड जीवन इज इक्वेल टू जी एनी नॉन जनरेटिंग सिंबल्स ठीक है तो ये नॉन जनरेटिंग सिंबल्स के एग्जांपल थे ओके okay, तो यूजलेस सिंबल जो हम रिमूव करना सीख रहे थे उसमें हम सेकंड पार्ट पे पहुंच चुके है कि symbols हैं कि नॉन रीचेबल सिंबॉल्स को रिमूव करना पड़ता है हमें लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो था नॉन जनरेटिंग सिंबॉल ओके जो लास्ट हम स्लाइड में बात कर रहे थे तो नॉन रीचेबल सिम्बॉल होता क्या है बेसिकली राइट तो सबसे पहले रीचेबल सिंबॉल क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग सिम्बॉल में से ठीक है कोई भी एक सेंटेंशियल फॉर्म आल्फा में पहुंच जाए ठीक है जहां पे वेरिएबल एक्स है तो हम एस में से एक्स में पहुंच सकते हैं ऐसा कह सकते हैं ठीक है ग्रामर के कोई भी एक या एक से ज्यादा रूल यूज करके स्टार का मतलब क्या होता है जीरो या जीरो से ज्यादा रूल डिराइव करके हम अगर एस में से कोई भी एक ऐसे सेंटेंशियल फॉर्म में पहुंच जाते हैं जहां पर वो सेंटेंशियल फॉर्म में एक्स है वेरिएबल तो एक्स है वो रीचेबल ऐसा कहते हैं ठीक है तो हम सिंपली एस में से एक्स तक पहुंचने चाहिए अगर हम सिंपली एस में से एक्स तक पहुंच जाते हैं ठीक है स्टार्टिंग सिंबल में से अगर हम एक्स वेरिएबल तक पहुंच जाते हैं तो हम उस एस एक्स वेरिएबल तक रीचेबल है अदरवाइज हम उस एक्स वेरिएबल तक रीचेबल नहीं है अगर हम कोई भी वेरिएबल तक रीचेबल नहीं है तो हम उसको हमारे प्रोडक्शन्स में से रिमूव कर देंगे इफ वी आर नॉट रीचेबल टू एक्स तो हम एक्स को प्रोडक्शन्स में से क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे ठीक है ग्रामर से देखते हैं पता चल जाएगा आई होप अब ये नोटेशन क्लियर है बहुत सिंपल नोटेशन होते हैं एस मीन्स स्टार्टिंग सिम्बल्स आल्फा मीन्स सेंटेंशियल फॉर्म जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं यानी कि टर्मिनल्स भी होते हैं और नॉन टर्मिनल सिम्बॉल भी होते हैं ठीक है तो हम अगर एस में से आल, ऐसे सेंटेंशियल फॉर्म में पहुंच जाते हैं ग्रामर जी का यूज करके जीरो और मोर टाइम्स कि जो अल्फा एक्स कंटेन करता हो तो एक्स रीचेबल है ऐसा कह सकते हैं ठीक है थीके? अगर ना करता हो तो एक्स नॉन रीचेबल है सिंपल इसको देख लेते हैं तो जनरली रीचेबल है कि नहीं वो जानने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं ट्री क्रिएट करते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे एक ट्री क्रिएट करूंगा एस नोड है ये एस नोड से मैं कहाँ जा पा रहा हूँ तो एस नोड से मैं ए नोड में जा पा रहा हूँ ठीक है एस नोड में से अगर मुझे ए नोड में जाना है तो मैं कौन सा रूल यूज कर रहा हूँ स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल है ये रूल यूज करके मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ ठीक है अगेन ए नोड में से मैं कहाँ तक जा पा रहा हूँ ए नोड में से मैं बी नोड तक जा पा रहा हूँ कौन सा रूल यूज कर रहा हूँ मैं प्रोडक्शन यूज कर रहा हूँ ए गिव्स बी एंड डबल बी ठीक है क्योंकि यहां पे वेरिएबल है अगेन बी तो में, में, तो में से मैं कहां जा पा रहा हूं कहीं नहीं क्योंकि बी डायरेक्टली टर्मिनल सिंबल जनरेट करता है तो मैं बी में से कोई भी वेरिएबल में नहीं जा पा रहा हूं ठीक है तो मैं नहीं लिख सकता अगेन सी में से मैं कहा जा पा रहा हूँ बी में जा पा रहा हूं तो मैं यहाँ पे सी लिखूंगा वेरिएबल और एरो करूंगा बी की तरफ ठीक है स्मॉल ए कैपिटल बी फाइन एरो का डायरेक्शन उस तरफ होगा जहां से मैं जहां पहुंच पा रहा हूं फाइट तो हम ध्यान से देखेंगे यहां से कौन सा सिंबल नॉन रीचेबल है हम अपना ट्रावर्जन यहां से स्टार्ट करेंगे एस में से तो एस में से मैं ए में जा पा रहा हूँ ए में से बी में जा पा रहा हूँ तो इनडायरेक्टली मैं एस में से बी में पहुंच पा रहा हूँ पर मैं एस में से कोई भी हालत में सी में नहीं पहुंच पाऊंगा तो हमारा नॉन जनरेटिंग सिंबल कौन है सी है फाइन सॉरी नॉन रीचेबल सिंबल है माई मिस्टेक नॉन रीचेबल हम सी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं एस में से हम ए भी जा रहे हैं बी भी जा पा रहे हैं पर सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इसका मतलब है C है नॉन रीचेबल सिंबल तो अगर हम अपना नया ग्रामर लिखना चाहें इफ दिस ग्रामर ग्रामर इज अगर हम नया ग्रामर लिखना चाहें तो उसमें से सी के प्रोडक्शन रिमूव करके हम अपना नया ग्रामर लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि वो नॉन रीचेबल सिंबल है हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते तो ऑब्वियसली हम उसका ग्रामर में यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो हमारा नया ग्रामर कंसिस्ट करेगा वन टू एंड थ्री प्रोडक्शन से ओके सो एस गिव्स स्मॉल ए कैपिटल अगेन स्मॉल ए रूल नंबर वन अगेन कैपिटल ए गिव्स स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी ठीक है एंड अगेन कैपिटल बी गिव्स स्मॉल ए स्मॉल बी फाइन तो ये मेरा नया ग्रामर है जिसको मैं क्या कह सकता हूँ ग्रामर न्यू ग्रामर जी वन तो ग्रामर जी और जी वन में क्या डिफरेंस है जी वन इज इक्विवेलेंट ग्रामर टू जी वेर आई हैव रिमूव द नॉन रीचेबल सिम्बॉल्स ओके आफ्टर रिमूविंग सिम्बल्स नॉन रिचेबल सिंबल्स रिमूव करके जीवन को इक्वेलेंट ग्रामर बना सकता हूँ लेट्स ग्रामर इस ग्रामर को अगर हम जी कहते हैं तो इस ग्रामर के लिए हम डायरेक्टली डिपेंडेंसी ग्राफ या रीचेबिलिटी ग्राफ बना लेते हैं रीचेबिलिटी ग्राफ क्या होता है हम कहा से कहा पहुंच पा रहे हैं uh, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ एज सिंबॉल जनरेट कर रहा हूँ एक एस में से हम कहाँ कहाँ पहुंच पा रहे हैं एस में से एक तो मैं बी सिम्बॉल में जा रहा हूँ और एक मैं सी सिम्बॉल में जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा एस में से दो चीज़ें ड्राइव करूंगा बी एंड आई कैन रीच अप टू सी ठीक है बी में कैसे जा पा रहा हूँ किस रूल से एस गिव स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए इस रूल से मैं बी में पहुंच पा रहा हूँ और एस गिवस कैपिटल बी कैपिटल सी इस रूल से मैं सी तक पहुँच पा रहा हूँ भाई अब हम बी में से कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं लेटर सी बी में से हम बी एंड सी बी कैपिटल सी कैपिटल सी अगेन बी में से मैं कहा ट्रावर्स कर पा रहा हूं सी में ट्रावर्स कर पा रहा हूं सो आई शो दैट इन माई ग्राफ की बी में से मैं ट्रावर्स कर पा रहा हूँ सी में बी कैपिटल सी कैपिटल सी ठीक है अगेन सी में से हम कहा ट्रावर्स कर पा रहे हैं कहीं नहीं सी है वो टर्मिनेटिंग सिंबल है तो हमने सी ट्रावर्स कर लिया है एस ट्रावर्स, ट्रावर्स कर लिया है बी ट्रावर्स कर लिया ए देखते हैं ए में से हम कहा ट्रेवल्स कर पा रहे हैं सी में तो मैं एक सिंबल ए बनाऊंगा लेट्स यहाँ पे ए में से मैं कहा जा पा रहा हूँ सी में जा पा रहा हूँ यूजिंग विच रूल ए एंड सी ठीक है एंड देन आई कैन गो इन टू बी एज वेल ए में से मैं बी में भी जा पा रहा हूँ ए का प्रोडक्शन खत्म हो गया एक्सपांड कर लिया हमने ए में से हम कहा जा पा रहे हैं बी में यूजिंग विच रूल ए गिव्स बी सी एंड सी ठीक है uh, यहाँ पे ये यह दो रूल्स बाकी रह चुके हैं uh, एक जनरेटिंग सिंबल डी है तो मैं डी में से कहाँ जा पा रहा हूँ ई e में जा पा रहा हूँ कौन सा रूल यूज़ कर सके डी गिवस ई रूल और ई e है वो अगेन टर्मिनेटिंग सिंबल है तो ई e में से मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ तो ये हमारा कुछ डिपेंडेंसी ग्राफ है राइट ध्यान से देखेंगे तो एस में से हम दो ही जगह पर रीचेबल हैं बी एंड सी एस में से हम इवन ए में भी नहीं जा पा रहे हैं यूजिंग एनी एरो वी कैनोट रीच अप टू ए तो हमारे नॉन रीचेबल सिंबॉल्स तीन हुए दैट इज ए डी एंड ई ठीक है तो ये हमारे तीन नॉन रीचेबल सिम्बॉल्स हैं तो इन तीनों नॉन रीचेबल सिंबॉल्स को हम क्या कर देंगे अपने प्रोडक्शन में से रिमूव कर देंगे कौन से कौन से प्रोडक्शन रिमूव करेंगे डी वाला प्रोडक्शन ई e वाला प्रोडक्शन ओके देन वी हैव ए वाले ओके ये तीनों प्रोडक्शन रिमूव कर देंगे अगर इनमें कोई भी हमारे पास ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें ए बी या सॉरी ए डी या ई e कंटेन होता है तो इनमें से भी वो प्रोडक्शन रिमूव कर देंगे ठीक है इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ नीचे एस क्यूज ए बी ए सी गिव स्मॉल ए कैपिटल बी गिव स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी ओके तो ये हमारा ग्रामर है ग्रामर जी वन ओके ये ग्रामर है हमारा ग्रामर जी फाइट तो अगेन दिस इज इक्वेलन टू दिस विदाउट नॉन रिचेबल सिम्बॉल्स फाइट तो दिस इज हाउ वी लुक फॉर नॉन रिचेबल सिंबल्स दिस इज वेरी सिंपल एंड ईजी टॉपिक फाइन दिस विल बी यूज इन फर्दर नॉर्मल फॉर्म्स जब हम आगे नॉर्मल फॉर्म साइन करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसलिए हमें ये याद रखना जरूरी है ओके okay?